से सांसों की चिलमन से होली से दिल में समा जा। सोनी है ये राही, व्याकुल है ये बाही, तन्हा सा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, पिछले इतवार को हमने पेंतकोस्त पर्व बनाया है और आज हम पवित्र त्रित्व की त्योहार मना रहे हैं। पवित्र त्रित्व, जहां हम देखते हैं पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर, जिनको हम त्रिएक ईश्वर कहते हैं, इनके सम्मान में आज यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। यह मिस्सा बलिदान त्रिएक परमेश्वर के आदर में धन्यवाद के रूप में हम चढ़ाते हैं। इस त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर का नाम हम सवेरे से लेकर शाम तक जितनी बार हम ईश्वर को याद करते हैं या कोई कार्य शुरुआत करते हैं या समाप्त करते हैं, पिता और पुत्र के नाम से हम करते हैं। और यह त्रिएक परमेश्वर का नाम लेने से उनका हम आशीष पाते हैं और उनके संरक्षण में हम रहते हैं। और यह त्रिएक परमेश्वर तीनों का अलग अलग कार्य है और संत पौलुस इसे अच्छी तरह जानते थे और इसलिए अपने पत्र के शुरुआत में और अंत में इसे बारंबार इस्तेमाल करते हैं। जब हम त्रिएक परमेश्वर की बातें करते हैं, हमारे मन में जरूर यह प्रश्न उठना चाहिए कि एक ही ईश्वर और तीन जन, यह कैसे हो सकता है। जी हां, और यह प्रश्न हमारे लिए तभी महत्व रखता है जब हम नम्र बनकर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा सीखने के लिए मांगते हैं। और माता कलीसिया पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें यही सिखाती है कि त्रिएक परमेश्वर एक है और हम घोषणा करते हैं उस एक ही ईश्वर के जिसमें तीन जन विद्यमान है। और यह तीनों जन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ईश्वरीयता में अलग अलग है। इन द सेंस, ईश्वरीयता को भी आपस में बांटते नहीं, मगर तीनों जन पूर्ण रूप से ईश्वर है मगर एक है। और इसलिए जब कभी हम पवित्र त्रित्व को हमारे जीवन में, हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं, हमारी आत्मा और दिल इसी के समान, त्रिएक ईश्वर के समान एकता में बने रहने के लिए हम कृपा मांगते हैं। और इसलिए मैंने जैसे मिसा के शुरुआत में कहा, जो परिवार, जो कलीसिया, जो समाज में भिन्नता है, लोग एक दूसरों के साथ यूनाइटेड मिलकर नहीं रहते हैं, वह त्रिएक परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि त्रिएक परमेश्वर स्वभाव से एक है। दे आर यूनाइटेड, वन इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन, उनमें कोई मतभेद नहीं। और इसलिए जब कभी हम पवित्र त्रित्व को हमारे जीवन में, परिवार में बुलाते हैं, वह तभी कार्य करेगा जब हमारे बीच में एकता है। यदि मनमुटाव है और एक दूसरों से बातचीत नहीं है, एक दूसरों से अलग रहते हैं, तो उनके जीवन में पवित्र त्रित्व क्रियाशील नहीं हो सकता है। और इसलिए त्रिएक परमेश्वर का यह विचार एक ऐसी बात नहीं है जिसको हम हवा में उड़ाते हैं, मगर यह वास्तविकता है और एक सच्चाई है जिसमें हम हर एक व्यक्ति विश्वास करते हैं। और पवित्र त्रित्व, जैसे मैंने कहा, एक समूह है, इट इज ए कम्युनिटी, जहां तीन व्यक्ति एक साथ रहते हैं। और इसलिए हम सभी परिवारों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए एक आदर्श है, एक नमूना है, कैसे हम भी उनके समान एकता में जी सकते हैं। और आप लोगों ने इसको जरूर सुना होगा, संत अगस्तीन इसी प्रकार, एक ईश्वर जिसमें तीन जन है, ये कैसे हो सकता है, इस बात को लेकर सोच रहे थे
विचार कर रहे थे। ऐसे विचार को लेकर जब वह एक बार समुद्र के किनारे घूम रहे थे, जय अपनी कहानी सुना नहीं सुना, बहुत फेमस कहानी है। तो संत अगस्तीन समुद्र के किनारे टहल रहे थे, यही सोचकर एक ईश्वर तीन जन कैसे हो सकता है। उनको अपने आंखों के सामने एक दृश्य मिला। क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे छोटा सा गड्ढा बना देता है और दौड़ दौड़ कर जाकर दोनों हाथों से पानी लेकर गड्ढे में भरते हुए संत अगस्तीन को दिखा। फिर संत अगस्तीन ने सोच में पड़ गए, ये बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ दौड़ कर पानी लाकर ये गड्ढे में भर रहा है। पास में जाकर बच्चे को रोका, बच्चे आप क्या कर रहे हो? बच्चा ने जवाब दिया, मैं ये पूरे समुद्र के पानी को ये छोटे से गड्ढे में डालना चाहता हूं। फिर संत अगस्तीन ने हंसने लगे, ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े समुद्र है और इतने पानी के छोटे से गड्ढे में। फिर स्वर्गदूत गायब हो जाता है, बच्चा गायब हो जाता है। फिर अगस्तीन सोचने लगता है, ईश्वर इस बहुत बड़ी सागर के समान है और हमारे मानव का टोपड़ी ये छोटा सा नारियल के समान है। हम जितना भी कोशिश करेंगे त्रिएक परमेश्वर को जानने के लिए ये असंभव है। जैसे समुद्र के पूरे पानी को गड्ढे में डाल नहीं सकता, उसी प्रकार त्रिएक परमेश्वर एक महान रहस्य है, महान रहस्य है और इसलिए उसे पूर्ण रूप से समझना असंभव है हम मानव के लिए जिनके पास छोटे से खोपड़ी है। फिर तब से अगस्तीन हमें एक शिक्षा देता है, त्रिएक परमेश्वर एक ईश्वर तीन व्यक्ति एक महान रहस्य है, ऐसे उसे हम कभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। मगर पुराने व्यवस्थान में नया व्यवस्थान में इसके बारे में हमें एक झलक दिखती है। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं जहां त्रिएक परमेश्वर ईश्वर के बारे में हमें बताया गया है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:26 में आप मेरे बात बोलिए, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो और वह समुद्र के सभी चीजों मछलियां समुद्र के सभी मछलियां आकाश के पक्षियों घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन में रेंगने वाले सभी जीव जंतुओं पर शासन करें। तो यहां त्रिएक परमेश्वर एक छोटी सी झलक जहां ये वचन कहता है हम मनुष्य को बनाए, हम यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, बहुत छोटी सी बात है बहुत गहरा मतलब है। जहां हमें पिता ईश्वर नहीं बोलता मैं बनाता हूं, मगर हम बनाएंगे, हम मनुष्य को बनाए और अपना प्रतिरूप और सदृश बनाए। ये पुराने व्यवस्थान में त्रिएक ईश्वर के बारे में एक झलक हमें बताया गया है। और ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप प्रतिरूप बनाया ताकि वह त्रिएक परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें। और इसी त्रिएक परमेश्वर के नाम पर हम सबों को बपतिस्मा दिया जाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। त्रिएक परमेश्वर के नाम पर हमें बपतिस्मा देकर कलीसिया में हमें शामिल किया है, ईश्वर के बेटा बेटियां हमें बनाया गया है, आदि पाप के कलंक से हमें दूर किया गया है। और यही त्रिएक परमेश्वर के कृपा से हम जीवित है, अस्तित्व में है, चलते हैं, फिरते हैं। और इसलिए इससे बढ़कर हमें क्या हो सकता है, जब आज हम उस त्रिएक परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। जब वचन कहता है ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, इसका मतलब मनुष्य ईश्वर को समझ सकते हैं, ईश्वर मनुष्य ईश्वर को प्यार कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जब ईश्वर ने आदम और यवा को बनाया वह सुखी रहा, आनंद से रहा और वह ईश्वर के नजदीक में रहा। और नया व्यवस्थान में पुराने व्यवस्थान में हमने देखा त्रिएक ईश्वर के बारे में एक झलक, और नया व्यवस्थान में हमने इसके बारे में आज के सुसमाचार में सुना जहां बताया गया है मत्ती 28:18 में,
आखिरी वचन है, आप मेरे बाद बोलिए। ईसा ने प्रेरितों से कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो पुराना व्यवस्था में छोटी सी रूप में बताएगा त्रियक ईश्वर के बारे में, और नया व्यवस्था में स्वयं प्रभु यीशु त्रियक ईश्वर के बारे में स्वर्ग जाने से पहले प्रेरितों से कहते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। इन्हें साफ सुथरा शिक्षा कि त्रियक परमेश्वर है, अस्तित्व में है, और उन्हीं के नाम पर सारी दुनिया को उपदेश दो, बपतिस्मा दो, और पूरा अधिकार मुझे मिला है। यानी पूरे यीशु अधिकार के साथ हमें यह शिक्षा देते हैं कि त्रियक परमेश्वर अस्तित्व में है और उन्हीं के द्वारा हम सबों को जीवन मिला है और हम अस्तित्व में हैं, और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं त्रियक ईश्वर के बारे में। और हम जानते हैं जब प्रेरितों को ईश्वर यीशु ने भेजा, जाओ संसार के कोने कोने तक सुसमाचार का प्रचार करो कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं, पुनर्जीवित हुए, और प्रेरितों के जीवन में जो भी संदेह था उसे पूर्ण रूप से उन्हें निकाल देते हैं और उन्हें अधिकार के साथ दुनिया के कोने कोने में भेजते हैं, जाओ सभी लोगों को शिष्य बनाओ। और इसलिए यह यीशु का सुसंदेश, मुक्ति का संदेश सभी मानव के लिए, और हर व्यक्ति यीशु के पास स्वागत है। और जैसे हम जानते हैं क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन ऑफ सिनर्स, प्रभु यीशु जैसे वचन में कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं पापी लोगों के लिए आया हूं, इसलिए हमारा क्रिश्चिय धर्म पापी लोगों के लिए है। और इसलिए जब कभी हम गिरजाघर में एकत्र होते हैं सबसे पहले हम यही स्वीकार करते हैं हम पापी हैं, हम पर दया कर। जब हम दया के गीत गाते हैं, जब हम पछताव की विनती बोलते हैं, और इस प्रकार हम ईश्वर के दया के लिए अपील करते हैं, मांगते हैं कि हमें आपकी दया की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है। और इस प्रकार प्रभु में त्रियक ईश्वर में क्षमा पाकर हम धार्मिकता में बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। और इसलिए विश्वासी लोगों के लिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं, आज वचन में यीशु कहते हैं मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु की आश्वासन है कि हम इस दुनिया में यात्री जीवन में, क्रिस्तीय जीवन की यात्री जीवन में हम अकेला नहीं है। जीवन के हर क्षण, हर घंटे, हर मिनट यीशु हमारे साथ है। यही विश्वास हमारे जीवन में गहरा होकर अनुभव करना चाहिए कि हम अकेला नहीं, यीशु हमारे साथ है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 2:13 में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 2 पौलुस हमें बताते हैं, आप मेरे पास बोलिए, प्रभु ईसा मसीहा का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। तो ये प्रार्थना को हम कब बोलते हैं जय है? कब बोलते हैं? सबसे पहले मिस्या के शुरुआत में प्रभु आप लोगों के साथ में होने के बाद
पिता ईश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता, इस प्रकार हम पवित्र त्रित्व के नाम से मिसा बलिदान को शुरुआत करते हैं और अंत में पवित्र त्रित्व के नाम से समाप्त भी करते हैं। कैसे समाप्त करते हैं पवित्र त्रित्व के नाम से? जब आशीष मिलता है सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, तो न केवल धार्मिक कार्यक्रम मिसा बलिदान जैसा, मगर हमारे घरों में, अपने दफ्तर में या कारखाने में, जहां कहीं भी हम रहते हैं, उस त्रिएक परमेश्वर के नाम लेते हैं, उन्हीं के नाम से शुरुआत करते हैं और घर पहुंचने के बाद भी त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए क्रूस का चिन्ह डालते हैं। और जब कभी हम त्रिएक परमेश्वर को हमारे बीच में बुलाते हैं तो ईश्वर के त्रिएक परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बनी रहती है, जैसे वचन में हमने पढ़ा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए ये छोटी सी प्रार्थना है मगर बहुत बड़ी शक्तिशाली प्रार्थना है और बहुत आशीष और सुरक्षा मिलती है जब हम क्रूस का चिन्ह डालकर अपने आप को पवित्र त्रित्व के संरक्षण में रखते हैं। यदि आप नहीं करते थे, आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर के वादा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए जीवन के हर स्थिति में हमें घबराने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, पवित्र त्रित्व की प्रेरणा हमें मिलती रहेगी हर कार्य जब हम शुरुआत करते हैं। ईश्वर का प्रेम, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईश्वर का प्रेम, और ईश्वर का प्रेम हम सबों के जीवन में प्रकट होती है, हम अनुभव करते हैं, विशेष रूप से जब हम पाप स्वीकार संस्कार में यीशु के त्रिएक परमेश्वर के नाम से हमें पाप की क्षमा मिलती है और हम प्रभु के प्यार को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। क्यों? पिता ईश्वर ही प्यार का स्रोता है, गॉड इज द सोर्स ऑफ लव, और उस पिता ईश्वर के प्यार को हम अनुभव करते हैं प्रभु यीशु क्राइस्ट के क्रूस मरण के सामर्थ्य से। जब हम पाप स्वीकार करते हैं हमें शुद्ध किया जाता है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें पवित्रता की जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। और हम देखते हैं ईश्वर का प्यार हमारे जीवन में, when we are comforted and consoled, जब हम अच्छा पाप स्वीकार करते हैं हमारे दिल में जो बेचैनी थी वो दूर हो जाती है और हमें शांति मिलती है। और इसलिए ईश्वर का प्यार हम सबों के जीवन में आता है जब हम अच्छा पाप स्वीकार करते हैं और पाप मुक्त होते हैं और ईश्वर के मुक्ति में हम सहभागी होते हैं और हमारी आत्मा को पवित्रता की कृपा मिलती है और जब हमारे दिल में हम शांति और आनंद को अनुभव करते हैं। ये पिता ईश्वर का प्यार। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सहचर्य यानी फेलोशिप। जब कभी हम एकता में बने रहकर कार्य करते हैं वहां पवित्र आत्मा कार्य करता है, और जब हमारे बीच में भिन्नता है, यदि वो आदमी इधर आए तो मैं नहीं जाऊंगा, ये वो व्यक्ति यहां है तो मैं उनके साथ शामिल नहीं रहूंगा, मैं घर बैठूंगा, ये भिन्नता है। यदि हमारे बीच में ऐसी भिन्नता है तो त्रिएक ईश्वर जो एकता की ईश्वर है, सहभागिता की ईश्वर, हमारे दिल में, जीवन में, परिवार में कार्य नहीं कर सकता है। और इसलिए हम सबों को त्रित्व के समान आपस में मिले जुल कर रहना है। वह हमारे लिए, त्रित्व हमारे लिए एक आदर्श है, यह रिलेशनशिप ऐसी एक रिश्ता है उनमें कभी मनमुटाव नहीं होती है, क्योंकि वह त्रिएक ईश्वर प्यार में बने रहते हैं, एकता में, एकता में बने रहते हैं, और गॉड लिव्स इन यूनिटी। और इसलिए जब हम मिलकर रहते हैं हम में ताकत है, when we are united there is strength, जब हम बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर हम कमजोर होने लगते हैं, फिर हम बर्बाद होने लगते हैं। इसलिए हम सबों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है, we are dependent on one another, और इसलिए हर व्यक्ति को, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। वैसा हम हमेशा एकता में बने रहने से एक दूसरों की हमें सहारा मिलती है और इस प्रकार हम
आपस में उस त्रित्व के त्रित्व में जो एकता है उसके एक उत्तम उदाहरण दे सकते हैं। और ईश्वर हम सबों के सामने इस त्रित्व का नमूना हमारे सामने रखते हैं, जिसे हम उनको अनुसरण करते हुए पवित्रता में एकता में जीने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए प्यारे भाई तथा बहनों, आज त्रिएक परमेश्वर को याद करते हुए हम उस एकता को बनाए रखने के लिए कलीसिया में, अपने परिवार में, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहने के लिए शक्ति और कृपा मांगे। आमीन। हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को एक साथ प्रकट करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ईश्वर में